दोस्तों, अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है और आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, आपकी मेहनत की कमाई से काटकर जो हर महीने ये पैसा जमा किया जाता है, ये पैसा कुछ सालों के बाद आपके लिए एक अच्छा खासा सेविंग फंड बन जाता है। ऐसे में ये बहुत ही जरूरी है कि आपको इस सेविंग फंड से पैसा निकालने के सारे नियमों के बारे में पता हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ईपीएफओ के पीएफ विड्रॉल के कुछ नियमों के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है तो पीएफ विड्रॉल के इन नियमों के बारे में आपका जानना बेहद ही जरूरी है। साथ में इस वीडियो में आपको पीएफ विड्रॉल की लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में भी जानने को मिलेगा, यानी कि पीएफ विड्रॉल के नियम क्या हैं और ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपने पीएफ के पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब कुछ आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल माई सिंपल गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि पीएफ विड्रोवल के क्या नियम हैं, जिन्हें हर एक एम्प्लॉय को जानना जरूरी है। रूल नंबर 1, नो विड्रोवल ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो काम करते हुए आप ईपीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ईपीएफ एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है और पीएफ का पूरा पैसा आप रिटायरमेंट के बाद ही निकाल सकते हैं। रूल नंबर 2, पार्शियल विड्रोवल। एक एम्प्लॉय को इमरजेंसी के लिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की अनुमति है। एक एम्प्लॉय मेडिकल इमरजेंसी के लिए, घर खरीदने या कंस्ट्रक्शन के लिए, हायर एजुकेशन या फिर शादी के लिए पैसा निकाल सकता है और इसके लिए एम्प्लॉय ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। रूल नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट बिफोर रिटायरमेंट। अगर किसी एम्प्लॉय की किसी कारणवश नौकरी चली जाती है और वो 2 महीने से ज्यादा अनएम्प्लॉयड रहता है तो एम्प्लॉय को अपने पीएफ अकाउंट से पूरे पैसे को निकालने की अनुमति है। रूल नंबर 4, अर्ली रिटायरमेंट। वैसे तो एक एम्प्लॉय अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा रिटायरमेंट के बाद ही निकाल सकता है, पर एम्प्लॉय के पास एक अर्ली रिटायरमेंट का ऑप्शन भी होता है जिसका इस्तेमाल वो 55 साल की उम्र के बाद ही कर सकता है। अगर एम्प्लॉय की उम्र 54 साल से ज्यादा है तो ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक वो रिटायरमेंट के 1 साल पहले 90% तक अपना पीएफ का पैसा निकाल सकता है। रूल नंबर 5, टैक्स एग्जेम्पशंस। अगर एक एम्प्लॉय अपने पीएफ अकाउंट में लगातार 5 साल तक पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करता है तो उसके पीएफ विड्रोवल अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं काटा जाता है। यानी कि अगर एम्प्लॉय का कंटिन्यूस सर्विस पीरियड 5 साल से कम है तो उसका पीएफ विड्रोवल अमाउंट टैक्सेबल माना जाता है। उसके पीएफ विड्रोवल अमाउंट पर 10% और अगर उसके पीएफ अकाउंट में पैन डिटेल्स अपडेटेड नहीं है तो 30% तक टैक्स काटा जा सकता है। इन सभी नियमों के अलावा अगर आप ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपके ईपीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी एकदम अपडेट होना जरूरी है, जैसे कि आपका आधार नंबर, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी पैन डिटेल्स एकदम अपडेट होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पीएफ अकाउंट की बेसिक डिटेल्स आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट से मैच होना भी जरूरी है, यानी कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स में, आपके आधार कार्ड में और आपके पीएफ अकाउंट में आपकी बेसिक डिटेल जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सभी एकदम मैच होना भी जरूरी है। इसके बाद अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। पीएफ विड्रोवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल में ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है या फिर गूगल में सिंपली सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च रिजल्ट में आपको सबसे ऊपर ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और ईपीएफओ की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, उनमें से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको अपने पीएफ अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन आईडी में अपने यूएन नंबर को एंटर करना है। उसके बाद यूएन नंबर को एक्टिवेट करते समय क्रिएट किए गए पासवर्ड को एंटर करना है और नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी। तो पीएफ विड्रोवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर और यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन क्लेम को चुनना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है और यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स में अपने अकाउंट नंबर को फिलअप कर देना है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद इनकी सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन पर आपको नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर में अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको केवल एक ही फॉर्म दिखाई देगा, पीएफ एडवांस फॉर्म 31। और अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं और आपको नौकरी छोड़े 2 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और आप अनएम्प्लॉयड हैं और आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेटेड है तो यहाँ आपको कुछ इस तरह से 4 फॉर्म दिखाई देंगे, पीएफ विड्रोवल फॉर्म 19, पेंशन विड्रोवल फॉर्म 10C, स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C और पीएफ एडवांस फॉर्म 31। तो यहाँ पर अगर आप नौकरी करते हुए पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 को चुनना है। दोस्तों नौकरी करते हुए अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो वो आप ईपीएफओ द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार एडवांस के रूप में ही निकाल सकते हैं, यानी कि पीएफ अकाउंट से पैसा आप अलग अलग उद्देश्य से एडवांस के रूप में ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लेम फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे आपको पीएफ निकालने के पर्पस को यहाँ पर चुनना है। ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक यहाँ आप अलग अलग उद्देश्य के अनुसार पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। किस उद्देश्य से कब और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस पीडीएफ फाइल को आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं आप किस उद्देश्य से कब और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे ईपीएफओ रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी पीएफ अकाउंट को कैलकुलेट करके पीएफ विड्रोवल अमाउंट को नीचे भरना है। अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है, ये एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अपने कंप्लीट एड्रेस को फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपने कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है। दोस्तों ये कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी उस बैंक की होनी चाहिए जिसे आपने अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेट कराया है, और जो भी आप कॉपी अपलोड कर रहे हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स एकदम विजिबल होनी चाहिए। यहाँ पर कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड करने के बाद आपको नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और नीचे गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर एक और जरूरी बात, दोस्तों पीएफ विड्रोवल क्लेम अप्लाई करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि पीएफ विड्रोवल क्लेम को ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आधार ओटीपी वैलिडेशन की प्रोसेस को पूरा किया जाता है और आपके आधार ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पीएफ विड्रोवल क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और कुछ ही दिनों बाद आपके पीएफ क्लेम का पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही ईपीएफओ द्वारा आपका क्लेम सेटल किया जाएगा आपको SMS के जरिए उसका इंटीमेशन भी दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अपने पीएफ विड्रोवल क्लेम को अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने पीएफ के पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।